नमस्कार मेरे भाइयों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, टाटा मोटर्स काफी समय से ये सोच रहा है कि वो इंडियन कार मार्केट में आने वाले समय में अपने सीएनजी व्हीकल्स को लॉन्च करे, क्योंकि अब जैसे कि आप सबको पता ही है कि इस समय सिर्फ दो ही प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका सीएनजी व्हीकल मार्केट में दबदबा है। एक तो है मारुति सुजुकी और दूसरी है ह्युंडई। लेकिन अब फाइनली टाटा मोटर्स भी अपने सीएनजी व्हीकल्स को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने को तैयार है। और अगर रिपोर्ट्स की माने तो टाटा कंपनी अपनी जनवरी 2022 में टाटा टियागो सीएनजी और टाटा टिगो सीएनजी को लॉन्च करने की टाटा कंपनी ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि सीएनजी से चलने वाले टाटा टियागो और टाटा टिगोर को के कैमोफ्लोज टेस्टबिल को पहले ही इंडियन रोड्स पर कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है, जहां से ये कंफर्म हो गया था कि टाटा कंपनी अपनी सीएनजी मॉडल्स को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। और अब फाइनली, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जनवरी 2022 में टाटा कंपनी अपने टियागो और टिगोर के सीएनजी मॉडल्स को इंडियन रोड पर फाइनली उतार देगी। आपको बता दें कि ये अगर इसकी डिजाइन की बात करें तो ये रेगुलर मॉडल की तरह स्टाइलिंग में उसका डिजाइन इसका एकदम नॉर्मली रेगुलर टियागो और टिगोर की तरह रहने वाला है, जहां पर आपको इसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलने वाला। हालांकि अब देखना यह होगा कि टाटा कंपनी अपने किस वेरिएंट में टाटा टियागो के और टाटा टिगोर के किस वेरिएंट में सीएनजी ऑफर करती है, ये देखने वाली बात होगी। अब देखिए, अगर बात की जाए इन दोनों गाड़ियों की बुकिंग्स की, तो देखिए वैसे तो टाटा कंपनी ने अभी तक इसकी ऑफिशियल बुकिंग्स को अनाउंस नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद भी टाटा कंपनी की कुछ चुनिंदा डीलरशिप ऐसी है जिन्होंने ही इनकी अनऑफिशियल बुकिंग को लेना स्टार्ट कर दिया है, जिससे अब ये कंफर्म हो जाता है कि टाटा कंपनी टाटा मोटर्स फाइनली जनवरी के पहले वीक में ही इसको अपनी जो इंडियन कार मार्केट में टाटा टिगोर और टियागो सीएनजी को लॉन्च कर देगी। आपको बता दें कि जैसे कि आपको पता ही है कि सीएनजी व्हीकल्स की डिमांड इन दिनों मार्केट में काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से काफी सारी गाड़ियों पे तो काफी लंबा वेटिंग पीरियड चल रहा है। अब टाटा कंपनी और सबसे ज्यादा वैसे आपको पता ही है कि मारुति गाड़ियों का ही सीएनजी मार्केट में दबदबा है, और उसके बाद हुंडई की गाड़ियां आ जाती है जिसका सीएनजी मार्केट में दबदबा है। लेकिन अब फाइनली टाटा कंपनी की टियागो और टिगो सीएनजी भी इंडियन मार्केट में आने वाली है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि टाटा टियागो और टिगो सीएनजी भी सक्सेसफुल प्रोडक्ट बन पाएंगी? और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर आप बात करो चाहे हुंडई की, चाहे आप मारुति की सीएनजी या फिर नॉर्मली गाड़ी की बात कर लो, तो उसमें आपको कोई सेफ्टी रेटिंग उतनी खास देखने को नहीं मिल पाती। लेकिन अगर बात करें टाटा टियागो टिगो सीएनजी की, तो उनमें आपको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स देखने को मिल जाएंगी। बात करें अगर टियागो और टिगो दोनों में मिलने वाले इंजन ऑप्शन की, तो दोनों में ही आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर एवर्ट्रॉन पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि अराउंड 86 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और सीएनजी वेरिएंट में ही आपको एक ही इंजन का यूज देखने को मिलने वाला है, और जहां तक कहा जा रहा है कि इसके पेट्रोल वाले वर्जन में ही 1.2 लीटर के साथ इसमें आपको सीएनजी का ऑप्शन ऑफर कर दिया जाएगा। सो दोस्तों, आपकी क्या राय है टाटा टियागो और टिगोर के सीएनजी वेरिएंट के बारे में? आप अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड ड्राइव सेफ।